भाई कैसा हैवी है नहीं है ये बोनट? भाई उठा के देख, मेरे से तो उठा नहीं एक हाथ से। अच्छा हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा की बेस्ट सेलिंग 5 सीटर एसयूवी अर्बन क्रूज़र, जो कि बेस्ड है विटारा ब्रेज़ा पे। एंड ये जो वेरिएंट है ये है इसका हाई ग्रेड एमटी वेरिएंट, जो कि बेस्ड है ZXI पे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड देखते हैं क्या क्या फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो ड्यूल बोर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं क्रोम फिनिश के साथ। एंड नीचे आपको मिल जाती है ड्यूल फंक्शन LED DRL विद टर्न इंडिकेटर्स। एंड नीचे आपको फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED फॉग लैंप हैं एंड क्रोम फिनिश हाउसिंग के साथ। एंड कुछ इस तरह की है इसकी फ्रंट ग्रिल, 2 स्लैट वेज कट गन मेटल ग्रे एंड क्रोम फिनिश के साथ। बीच में आपको मिल जाता है इसमें टोयोटा का लोगो। एंड कुछ ऐसी मिल जाती है इसकी डाउन ग्रिल। एंड नीचे इसमें स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पे 2 टोइंग हुक दिए गए हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो आप नीचे देख सकते हैं एसयूवी स्टाइल में आपको मिल जाती है इसकी स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश के साथ, जो कि फ्रंट एंड रियर में आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे टोइंग हुक। एंड ये है इसका एग्जॉस्ट। एंड कुछ इस तरह के मिल जाते हैं आपको रिफ्लेक्टर दोनों ही साइड। एंड इसके 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्प्लिट LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर, डिफॉगर एंड इसके स्पॉइलर में दिया गया हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप। एंड यहाँ पे मिल जाता है टोयोटा का लोगो। एंड यहाँ पे मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ UC की बेजिंग। एंड गाइस अगर बात करें इसकी ओवरऑल डायमेंशन की तो वो आपकी स्क्रीन पे है। 198 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एंड गाइस अगर बात करें इसके टायर साइज़ की तो ये आप देख सकते हैं 215/60 R16 एंड 16 इंच के आपको मिल जाते हैं इसमें अलॉय व्हील ब्लैक फिनिश के साथ। व्हील आर्च क्लैडिंग आपको मिल जाती है। एंड बॉडी कलर्ड आपको मिल जाते हैं इसके ORVMs इलेक्ट्रिकली एंड ऑटो फोल्डेबल साइड इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट स्विच। विंडो फ्रेम किट आपको नहीं मिलती है, एज एन एसेसरी आप लगवा सकते हैं। एंड फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए पिलर A, B, C को ब्लैकआउट किया गया है। एंड ये इसकी क्वार्टर विंडो। एंड फ्रंट में रूफ पे आपको मिल जाता है शॉर्ट पोल एंटीना एंड ग्रे फिनिश के साथ इसके रूफ रेल्स। एंड को ड्राइवर साइड आपको मिल जाती है इसकी फ्यूल लीड। चलिए इसे करते हैं ओपन। एंड इसमें आपको 48 लीटर कैपेसिटी वाला जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है। चलिए इसे करते हैं बंद एंड चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ। तो एक बार हुड को ओपन कर लेते हैं। एंड ये है इसका पावरफुल K सीरीज़ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 104 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको इंसुलेशन पैड, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नीचे आपको मिल जाता है इंजन गार्ड। एंड ये है इसकी स्मार्ट एक्सेस की, लॉक एंड अनलॉक के स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। एंड पीछे से आप इसकी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में एंड यहाँ से इसे कर लेते हैं अनलॉक। ड्राइवर साइड डोर पैनल में आप देख सकते हैं इनसाइड डोर ऑर्नामेंट सिल्वर फिनिश के साथ एंड इनसाइड डोर लीवर आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। 4 पावर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे स्पीकर एंड यहाँ मिल जाता है इसका ट्विटर एंड हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है विद हेड रेस्ट। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलती है इस वेरिएंट में एंड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको आरवीएम के कंट्रोल, फॉग लैम्प कंट्रोल, पावर स्टार्ट स्टॉप बटन। चलिए गाड़ी को कर लेते हैं एक बार ऑन एंड कुछ ऐसी लुक है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इसका आरपीएमीटर एंड राइट साइड में आपको मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर एंड बीच में दी गई है इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि रेंज, ट्रिप, एवरेज जैसी वेरियस इन्फॉर्मेशन आपको देती है एंड ये है इसका टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील एंड यहाँ पे मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल्स एंड यहाँ पे इसका क्रोम फिनिश के साथ लोगो, एसआरएस का एयर बैग, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड ये है इसका अपर ग्लोव बॉक्स एंड नीचे आपको मिल जाता है इसका लोअर ग्लोव बॉक्स। काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है इसमें। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसके है शीवेंट गार्निश। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है एंड यहाँ पे मिल जाती है रूफ लाइट जिसे यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर भी आपको मिल जाता है एंड को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर दिया गया है एंड यहाँ पे वैनिटी लाइट। ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं। यहाँ पे कैबिन के लिए एक और रूफ लाइट मिल जाती है। पीछे भी आपको ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं एंड ये मिल जाता है आपको डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM एंड नीचे आपको मिल जाते हैं इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, USB ऑक्स ऑप्शन, पियानो फिनिश के साथ गियर लीवर एंड क्रोम टिप के साथ इसका हैंड ब्रेक। सो यहाँ से कुछ इतना विजिबल हो जाता है इसका बोनेट एंड कुछ ऐसी लुक है इसके ड्यूल टोन डैशबोर्ड की। अब चलते हैं रियर डोर की तरफ तो यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक बटन आपको मिल जाता है एंड कुछ ऐसी लुक मिल जाती है आपको इसके रियर डोर पैनल्स की। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं एंड यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग। अब चलते हैं इसके टेलगेट की तरफ तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड यहाँ पे मिल जाते हैं इसकी नंबर प्लेट लाइट हेलोजन बल्ब के साथ एंड यहाँ पे इसका मैग्नेटिक स्विच टेलगेट ओपन करने के लिए। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है यहाँ पे एंड 328 लीटर का आपको मिल जाता है इसमें बूट स्पेस। काफ़ी अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि सेम प्रोफाइल के साथ आपको मिलता है एंड यहाँ पे कुछ टूल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं लगेज रूम लाइट, 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाता है एंड यहाँ पे 2 kg तक कैरी करने के लिए एक हुक दिया गया है एंड ये मिल जाती है आपको कंपनी फिटेड इसकी पार्सल ट्रे जो कि दोनों तरफ से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। सो गाइस बाकी के सेफ्टी फीचर्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अब करते हैं इसकी हेडलाइट एंड DRLs का रिस्पॉन्स चेक। काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो एक बार देख लेते हैं इसका कंप्लीट लुक। पीछे टेल लाइट देख सकते हैं एंड ये है इनकी हेडलाइट, लो बीम एंड हाई बीम। DRLs देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा खासा लुक आपको मिल जाता है इनका एंड ये है इसका थ्रो। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है इनका नाइट में। सो गाइस इस गाड़ी का ना एक फ़ीचर आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप ऐसे अनलॉक करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइवर साइड डोर खोलने को ही मिलता है। जो बाकी के डोर्स हैं वो इसके लॉक ही रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आप इसे फिर से अनलॉक करें एंड उसके बाद आपके ये डोर भी खुलने लग जाएंगे। तो ये फीचर इस गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगा।